नगर पालिका देवबंद द्वारा विगत 2006 के बाद से जो बकाया था आज नगर पालिका के कर्मचारियों को किया गया है। ये भी एक शुभ दिन के अवसर पर नगर पालिका के जो चेयरमैन है नितिन गर्ग, आज उनका जन्म उत्सव था, जिसके चलते उन्होंने आज करोड़ों रुपए का भुगतान ऐसे कर्मचारियों को किया है जो पूर्व में रुका हुआ था, और उनमें से कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो मृतक भी हैं। ऐसे परिवारों को सीधी राहत दी गई है। हम सीधी बात करते हैं नितिन गर्ग से। जी, आपने जो आज ये राशि जारी की है, कुछ उसमें 7 मृतक कर्मचारी भी हैं, तो इसको लेकर ये कहां से आपने योजना बनाई, कैसे आपके ये प्लान रहा कि ऐसे परिवारों को, ऐसे कर्मचारियों को सीधा लाभ दिया जाए? सबसे पहले तो मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, दिल में था यही अरमान, हम कुछ कर जाएं, इस संकल्प के साथ मैंने नगर पालिका चेयरमैन पद की शपथ ली थी। जिस दिन शपथ ली, मैं अपने अधिशासी अधिकारी के साथ बैठा और हमने देखा नगर पालिका पे 3 करोड़ रुपए बकाया कर्मचारियों का था। वो कर्मचारी, जिसमें से 45 कर्मचारी हमारे अब इस दुनिया में नहीं है, हमें बड़ा दुख हुआ। हमने संकल्प लिया कि हम इन कर्मचारियों का बहुत जल्दी बकाया धीरे धीरे निपटा देंगे। उसी के तहत हमने पहले महीने 10,000 रुपए जो बकाया कर्मचारी थे, 10,000 रुपए जो इस रेशो में आते थे, उनका बकाया दिया। फिर अगले महीने 20,000 रुपए बकाया दिया। इस तरह करके हमने 7 महीने में 80 लाख रुपए कर्मचारियों का बकाया दिया। हमारे क्षेत्रीय विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री आदरणीय कुंवर बिरजे जी का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हमारे ऊपर है। हमें 2 करोड़ रुपए शासन से माननीय मंत्री जी ने दिलवाए। हमने सोचा कि सड़कें बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। जो कर्मचारी भाई इस दुनिया में नहीं है, जिन कर्मचारी भाइयों ने संघर्ष किया, जिन कर्मचारी भाइयों ने धूप की चिंता नहीं की, प्यास की चिंता नहीं की, गर्मी की चिंता नहीं की, बारिश की चिंता नहीं की, और हमारे देवबंद के सौंदर्यकरण के लिए, देवबंद की साफ सफाई के लिए लगे हुए थे, उनका बकाया जाना चाहिए। इसी संकल्प के तहत हमने माननीय मंत्री जी से बात की, मैंने, हमारे अधिशासी अधिकारी ने संकल्प किया कि एक मुश्त बकाया हम तुरंत दे दें। इसी के तहत हमने आज अपने जन्मदिवस पर नगर पालिका को बकाया मुक्त करने का संकल्प लिया और 2,06,00,000 रुपए बकाया 103 कर्मचारियों का हमने आज दिया है। अगर बात करें तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पहली नगर पालिका होगी जो इस तरीके से कर्मचारियों को भुगतान करने में कहीं ना कहीं कामयाब रही है, क्योंकि बात करें अन्य जो नगर पालिकाएं हैं वहां बड़े हालात खराब है, तो इसको लेकर जिस प्रकार से आपने योजना बनाई, आज जन्मदिन का भी आपका 5 फरवरी थी, जन्मदिन भी था, इसी के चलते आप नाजे दी, तो कहीं ना कहीं ऐसे उनमें ये योजना की तो बात आपने बताई कि हमने भाई वहां से इस तरीके की व्यवस्था की, सरकार ने जारी किया, आपने कर्मचारियों को दे दिया, लेकिन उनमें कुछ ऐसे परिवार भी होंगे जो बिल्कुल ही आज की तारीख में आर्थिक हालात से कमजोर हैं, कहीं ना कहीं बहुत कमजोरी से गुजर रहे हैं, तो ऐसे परिवारों को लेकर आप क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले तो जिन कर्मचारी भाई बहनों का मैंने बकाया दिया है, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन पैसों को आप सदुपयोग करें, इन पैसों को बच्चों के भविष्य के लिए लगाएं, इन पैसों से अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, इन पैसों का फजूल खर्चदा करें। और माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से हमने इस अपन काम किया है। मैं जब भी मुझे दिक्कत होती है, मैं माननीय मंत्री जी से सलाह करता हूँ, माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद लेता हूँ, आगे भी भविष्य में जो अच्छी योजनाएं देवबंद के लिए, देवबंद को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए जो भी कारगर होंगी वो करते रहेंगे, क्योंकि हमारा सपना है जाति धर्म से ऊपर उठकर बिना भेदभाव के, क्योंकि हमारी सरकार का भी नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत हम चल रहे हैं और बिना भेदभाव के हम चारों तरफ विकास कर रहे हैं, उसी के तहत हमने। आपसे आखिरी सवाल है, कितने साल से जो वेतन था ये रुका हुआ, कब से आपने कब तक का किया? 2006 से 2023 तक का हमने पूरा बकाया निपटाया है। ये बकाया पहले भी निमट सकता था, मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता पहले के चेयरमैनों की क्या सोच रही है। हमारी सोच, हमारे संगठन की सोच ये है कि सबको साथ लेकर चलो और सबका साथ सबके विकास के नारे पर हम चलते हैं, और माननीय मंत्री जी का दिशा निर्देश, माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद और माननीय मंत्री जी का स्नेह हमारे साथ था, तो उसके तहत हमने सब बकाया निपटाया। तो ये हमारे साथ नगर पालिका के चेयरमैन थे, अब उनके जो सारथी कहे जाएंगे ईओ, हम इनसे भी बात करते हैं। जिस तरीके से आपकी जोड़ी देवबंद में काम कर रही है, तो इसको लेकर एक बड़ी, एक नई सोच, नई थिंकिंग, अगर इस तरीके से सभी कर्मचारियों का वेतन मिलने लगे तो वास्तव में बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो, जिनके सुखद दिन आने वाले हैं, तो क्या इस, ये आपका जो प्री प्लान सरकार पूरे प्रदेश स्तर पर भी लाएगी, एक पूरे सरकार के लिए बात की जाएगी, एक मैसेज यहाँ से जाएगा? बिल्कुल सही बात है, और यदि
जब पूरे देवबंद की सारी व्यवस्था इन्हीं कर्मचारियों के भरोसे है, और यदि आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक है ये काम नहीं करेंगे और इधर उधर अपना भटकेंगे। तो सबसे पहले तो हमें उनके घरों को ध्यान रखना है। इसी को देखते हुए आप देखिए कि आज की तारीख में हमारे किसी भी कर्मचारी का निर्विवाद बकाया, कुछ लोगों के होंगे जो लिटिगेशन चल रहा है मुकदमे में कि इनको देना है, मृतकों के, कि सारे लोगों को हमने बकाये से मुक्त कर दिया। अब पूरा नगर पालिका का ध्यान विकास पर होगा। आप देखिएगा महीने दो महीने तीन महीने के बाद हमारा पूरा ध्यान पूरा फोकस विकास पर रहेगा, क्योंकि अभी तक जब से चेयरमैन साहब आए हैं तब से जितने कर्मचारियों के पुराने बकाए थे उनमें लगे थे। अब आज की तारीख में नगर पालिका परिषद देवबंद कर्मचारियों के बकाए से पूर्णतः मुक्त हो चुकी है। अब आगे की जो हमारी रणनीति होगी वो टोटल हमारी विकास पर होगी। धन्यवाद। ये थे नगर पालिका के यू, और कहीं ना कहीं देवबंद एक विश्व प्रसिद्ध नगरी माना जाता है। यहाँ से सरकार को भी एक प्लान भेजा गया है, अगर सरकार इस प्लान पर अच्छा काम करती है तो वास्तव में प्रदेश सरकार का कोई भी कर्मचारी बिना वेतन के नहीं रहेगा, और इससे साथ साथ एक जहां रिश्वतखोरी पे भी लगाम लग सकेगी और एक अच्छा मैसेज कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए भी होगा। इंडिया न्यूज के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। रुपए का बकाया है, किसी भी तरीके से मेरा बकाया दे दीजिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं बस्ती में खुद गया, मेरे पर सरकार की तरफ से कुछ किस्त आई। मैंने मन में विचार किया, सभी नगर पालिका के सपद सम्मानित सदस्यों के साथ विचार किया कि सड़कें तो बनेगी टूटेगी, मगर जो बकाया मेरे We'll be right back.